आज हमारे देश में ज़्यादातर लोग क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं। इंडिया का जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो देश भर में लोग दुआ करने लगते हैं, क्रिकेटर्स की पूजा होती है। इस सब में लोग उन सब खिलाड़ियों को भूल जाते हैं जिन्होंने क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया हो। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही नहीं है कुछ पाने की, और बहाने बनाते रहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है कुछ करने के लिए। राजेंद्र सिंह रहेलू वो खिलाड़ी हैं जो दोनों पैरों से असहाय होने के बावजूद 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत कर आए और भारत का नाम रोशन किया। राजेंद्र का जन्म 22 जुलाई 1973 को जालंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता बैंडमास्टर थे और उनकी माँ मेड थी। जब वह 8 महीने के थे तब उनके दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण वो चल नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ना करते हुए अपना सारा टाइम पावरलिफ्टिंग में लगाने का फैसला किया। राजेंद्र ने पावरलिफ्टिंग में अपना पहला खिताब 1997 में पंजाब ओपन मीट में जीता और फिर अगस्त 1998 में उन्होंने हैदराबाद में हुई नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप भी जीती। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, उन्होंने फिर 2004 में एथेंस में हुए समर पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनका मुकाबला 56 किलोग्राम कैटेगरी में था। ये भारत के किसी भी खिलाड़ी का पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग में पहला मेडल था। फिर 2006 में राजेंद्र को स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिए जाने वाले अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिए जाने वाले बहुत सम्मानजनक अवार्ड्स में से एक है। फिर उनके करियर में एक डाउनफॉल आया, वो 2008 और 2012 में हुए पैरालंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई। लेकिन एक आम इंसान की तरह निराश होकर बैठ जाने के बजाय उन्होंने मेहनत करी और फिर 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस पैरा पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत कर आए। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने राजेंद्र का नाम आज पहली बार सुना होगा। और ये भी एक सच है कि हमारे क्रिकेटर्स का नाम बच्चे बच्चे की जगह पर होता है। अगर एक गरीब परिवार से आए राजेंद्र, जो शारीरिक रूप से असहाय भी हैं, वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? हम क्यों हर बात का बहाना बनाते रहते हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी इससे इंस्पायर हुए होंगे और आप भी अपने जीवन में मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करो, ताकि हर भारतवासी सभी खिलाड़ियों को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना हमारे देश के क्रिकेटर्स को मिलता है।